आज चुप नहीं, जो यहाँ का परंपरा था किस्नौट मजरोट का, लोगों ने खेलने का काम किया। किस्नौट मजरोट का जो प्रचलन था यहाँ वैशाली जिला में, उसी से हम हारे। बड़े भीतरघात हुआ और जो मजरोट मजरोट अधि के थे, समाज के लोग थे, उन्होंने धोखा देने का काम किया और भीतरघात करने का काम किया। और आप सीधे सीधे किस्नौट और मजरोट की लड़ाई में राजद ने वैशाली की भी विधान परिषद सीट जो है वो गंवा दी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जो सुबोध राय हैं राजद के वहां से प्रत्याशी, खुद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बात साफ कहा है कि दरअसल मंझरौट और किस्नौत की लड़ाई हुई है वैशाली में, जिसके चलते मुझे हारना पड़ा है। अब किस्नौत और मंझरौट का जो कॉन्सेप्ट है, पहले आपको वो हम समझा देते हैं। देखिए, ये दोनों जो हैं वो यादव जाति की उपजातियां हैं। किस्नौत जो हैं वो कृष्ण के वंशज माने जाते हैं और मंझरौट जो हैं जो मथुरा के यादव हैं उन्हें ही मथुरौट या मंझरौट बिहार में कहा जाता है। अब हुआ यूं कि वहां से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी से भूषण राय चुनाव लड़ रहे थे, जो मंझरौट यादव हैं, और दूसरी तरफ सुबोध राय जो राजद से हैं वो किस्नौत यादव हैं। और सबसे बड़ा आरोप जो लगाया जा रहा है वो तेजस्वी के एक बेहद करीबी विधायक, महुआ से विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के ऊपर लगाया जा रहा है कि उन्होंने दगाबाजी की है, छोड़ के भाग रहे हैं। क्या पता चला कितने वोटों से हार रहे हैं आप? 200 वोट। कहाँ चूक रह गई आपकी? चूक नहीं, जो यहाँ का परंपरा था किस्नौट मजरोट का, लोगों ने खेलने का काम किया। क्या किस्नौट मजरोट का जो प्रचलन था यहाँ वैशाली जिला में, उसी से हम हारे। मेरे दोनों में यादव समाज से थे, इसकी वजह हुआ, बस वही भीतरघात हुआ। और जो मजरोट अधि के थे, समाज के लोग थे, उन्होंने धोखा देने का काम किया। और महुआ विधायक सबसे पहले धोखा देने का काम किया। महुआ विधायक आपके लिए वोट मांगते दिख रहे हैं, भीतरघात करने का काम किया। और महुआ आप सीधे सीधे मुकेश रोशन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसकी शिकायत आप अपने नेतृत्व के पास करेंगे क्या? मुकेश रोशन जो है वो मंझरौट का खिलाफत किए हैं, जैसा बताया जा रहा है। खुद राजद के प्रत्याशी सुबोध राय इस बात का खुलासा कर रहे हैं। आपको बताएं कि वे उस सीट से विधायक हैं, यानी मौजूदा विधान परिषद वही थे, लेकिन अब वो वहां से हार गए हैं। और भूषण राय जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए थे, वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं। महुआ जहां से डॉक्टर मुकेश रोशन विधायक हैं, पूर्व में यहां से तेज प्रताप यादव विधायक हुआ करते थे, यानी 2015 में तेज प्रताप यादव उस सीट से जीते थे, लेकिन 20 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव जो हैं वो हसनपुर से लड़े और जीत गए। और महुआ सीट से डॉक्टर मुकेश रोशन को टिकट दिया गया और वो वहां से खड़े हुए और चुनाव लड़कर जीत गए, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। आपको बताएं कि सुबोध राय खुलकर ये कह रहे हैं कि मझरौट उपजाति के नाम पर उन्हें एनडीए के भूषण राय का साथ दिया है, यानी मुकेश रोशन ने, और राजद को हराने की साजिश रची है। अब इस आरोप में कितनी हकीकत है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन वैशाली में एमएलसी चुनाव में यादव वोटरों का दबदबा रहता है और उन्हीं में बंटवारा भी हुआ है। ये वो जिला है जहाँ राघोपुर विधानसभा है, जहाँ पर महुआ विधानसभा है, यानी राजद का गढ़ माना जाता है। यादव आबादी भी वहां पर अच्छी खासी है और यादव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी आबादी वहां पर अच्छी खासी है। ऐसे में यादव जाति के अंदर ही दो उपजातियों के बीच ये लड़ाई हुई है, जिसमें फायदा जो है वो एनडीए यानी लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिली है। पशुपति कुमार पारस के प्रत्याशी भूषण राय वहां से फतह कर लिए हैं, उस सीट को जीत चुके हैं, और तेजस्वी के प्रत्याशी सुबोध राय को वहां से हार का मुंह देखना पड़ा है। और ये एक बेहद संगीन आरोप उन्होंने लगाया है कि देखिए, बिहार और खासकर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर जातीय समीकरण पर वोट डाला जाता है, लेकिन ये शायद पहली दफा सुनने को मिल रहा है जहां पर जाति नहीं बल्कि जाति में उपजाति के आधार पर वोटिंग किया गया है। और डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने उपजाति के प्रत्याशी भूषण राय को वोट दिलवाया है, एनडीए को उन्होंने जितवा दिया है, और यह आरोप खुद वहां से राजद के प्रत्याशी लगा रहे हैं। ये वीडियो आप द इंडिया टॉप पर देख रहे थे, मेरा नाम अदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।